आमिर खान के पानी फाउंडेशन की इस मुहिम से महाराष्ट्र के गांवों को मिलेगा 9 करोड़ रुपए का इनाम। फेमस सत्यमेव जयते वाटर कप 2019 के आयोजन का हाल ही में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। मुंबई में मुख्यमंत्री के वर्षा कार्यालय में हुई आधिकारिक बैठक में यह अनाउंसमेंट की गई। इस मौके पर महाराष्ट्र में सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सभी जिला परिषद के सीईओ के साथ स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की, जिसमें जल संरक्षण, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में आईएएस और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी के साथ पानी फाउंडेशन के आमिर खान, किरण राव, सत्यजीत भटकल और डॉक्टर अविनाश पोल भी शामिल हुए। वाटर कप के आयोजन के दौरान महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के समान लक्ष्य से नागरिक समाज की ऊर्जा और राज्य सरकार के प्रयासों का किस तरह सर्वश्रेष्ठ ढंग से आपस में संयोजन किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा के लिए यह वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। बता दें, पानी फाउंडेशन टीवी पर आने वाले शो सत्यमेव जयते की कोर टीम की ओर से की गई पहल है। यह टीम 2016 से महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में जनवरी आंदोलन छेड़कर जागृति फैलाने का काम कर रही है। वाटर कप महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों के बीच प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में विजेता गांव का चयन करते हुए यह देखा जाएगा कि वाटर कप के आयोजन की अवधि के दौरान राज्य के किस गांव ने पानी बचाने, पानी की गुणवत्ता में सुधार करने और पानी को संरक्षित करने, वाटर शेड मैनेजमेंट की दिशा में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए सर्वोत्तम उपाय किए। इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 अप्रैल से 22 मई 2019 तक किया जाएगा, जिसमें 3 सर्वश्रेष्ठ गांवों को क्रमशः 75 लाख, 50 लाख और 40 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हर तालुके में जल संरक्षण के लिए बेहतरीन प्रयास करने वाले सर्वश्रेष्ठ गांव को 10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के गांव लगभग 9.15 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार जीत सकेंगे। इस प्रतियोगिता के एक हिस्से के तौर पर पानी फाउंडेशन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गांवों को वाटरशेड मैनेजमेंट के विज्ञान में प्रशिक्षित करेगा। इस 45 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में श्रमदान, स्वैच्छिक श्रम शामिल है। इसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट के ढांचों की योजना बनाई जाएगी और उसका निर्माण किया जाएगा, जिससे भूमिगत जल की सप्लाई बढ़ेगी। प्रत्येक राजस्व गांव चयनित तालुका में भाग लेने का हकदार होगा। इस साल 24 जिलों के 76 तालुकों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एंट्री फॉर्म पूरी तरह भरकर जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2019 है। पानी फाउंडेशन ने जिले के चुने गए तालुकों को एंट्री की प्रक्रिया पूरी कर जल समृद्धि की ओर अपना सफर शुरू करने का निमंत्रण दिया है।